अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कीमा और कचनार। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 300 ग्राम कीमा है जो डालेंगे। ये कीमा फ्रोजन है। कीमा डालने के साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। और अब इसको लो फ्लेम से थोड़ा पकने दूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देते हैं। देखें, ये तकरीबन 5 मिनट हो गए। फ्रोजन कीमा जो है ये डिफ्रॉस्ट हो गया सारा। थोड़ी देर इसको और छोड़ते हैं ऐसे ही। जी तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये जो लहसुन था ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था किया, तो हल्का सा ही चॉप किया था। अब इसकी हीट थोड़ी तेज़ कर देते हैं। और इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। लहसुन और अदरक अच्छे से भुन गया और उसके साथ कीमा भी। अब इसमें हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, हम 1 टेबलस्पून और डाल देंगे इसमें। और इसके साथ ही अब हम इसमें 2 दरमियाना साइज के प्याज कटे हुए डाल देते हैं। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और 1 अदर टमाटर कटा हुआ। ये टमाटर भी फ्रोजन था तो इसका मैंने छिलका उतार लिया और इसको काट लिया। अब इसको हम गलने के लिए रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद फिर इसको भून के अच्छी तरह से इसमें कचनार डालते हैं। ये देखें नाज़रीन, 5 मिनट हो गए।
अब इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद इसमें कचनाट शामिल करते हैं। ये देखें कीमा अच्छे से भुन गया, ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें हम तकरीबन ये 300 ग्राम कचनार है शामिल कर दिए। अब ये कीमे को और कचनार को अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करते हैं। जब इसको भूनना है तो इसका चूल्हे का जो फ्लेम है मीडियम पे रखना है। जी ये देखें कचनार और कीमा अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जी 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। जी ये हमारे मसाला जात इसमें डल गए। सालन हमारा तैयार है ये बिल्कुल। इसको ढाँप देते हैं और हीट बंद कर देते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें हमारे कीमा और कचनार बिल्कुल तैयार हैं। तो नाज़रीन जो कचनार का सालन होता है इसमें ऑयल दूसरे सालन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कचनार का मौसम बहुत छोटा सा होता है, बस 1-1.5 माह ये मिलते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल सके। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप चाहें तो उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।